Welcome dear students, today we learn how does the European Union work. There are four key institutions which work together to run the European Union. The European Commission, the European Parliament, the European Council and the European Court of Justice. First one is the European Commission. The Commission is the executive bureaucratic arm of the European Union. It is mainly responsible for the drawing up proposal for new European legislation, and it implements the policy decision of the European Union Parliament and the Council of the European Union. Next point is the European Parliament. The European Parliament is composed of 751 members who are directly elected every 5 years. It is a body entrusted with legislative, supervisory and budgetary responsibilities. आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि how does the European Union work? European Union का कामकाज चार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चलाया जाता है या चार अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जरिए चलाया जाता है. तो उसमें से है पहला यूरोपियन कमीशन, उसके बाद है यूरोपियन पार्लियामेंट या संसद, यूरोपियन काउंसिल और आखिरी वाला है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी यूरोपियन अदालत. यह चार संस्थाएँ यूरोपियन यूनियन का कामकाज चलाने में एक अहम भूमिका अपनी निभाते हैं. तो पहला हम देखेंगे कि यूरोपियन कमीशन का क्या काम है. तो यह कमीशन यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉय संबंधित अहम फैक्टर है. यूरोपियन कमीशन नए कानून के लिए सुझाव देना, यूरोपियन संसद में और कमीशन में लिए हुए फैसलों का अमल करना, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह कमीशन निभाता है. दूसरा पॉइंट है हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन संसद. यूरोपियन संसद में डायरेक्टली इलेक्टेड कुल 751 मेंबर 5 साल के लिए चुने जाते हैं. पार्लियामेंट के ऊपर कानून बनाना, देखभाल करना और इकोनॉमिकल यानी बजट के सिलसिले में जितने भी कुछ जिम्मेदारियां होती है ये यूरोपियन पार्लियामेंट के जरिए पूरी की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द यूरोपियन काउंसिल. The structure of the European Council consists of the presidents or prime ministers of each member state, accompanied by their foreign ministers and a full-time president of the European Council. The European Council meets 4 times a year and provides strategic leadership for the European Union. The European Court of Justice. The European Court of Justice interprets and educates on European Union law and treaties. As European Union law has primacy over the national law of European Union member states. European Council. European Council में उसकी सदस्यता पाने वाले मुल्कों के प्रेसिडेंट या फिर उस मुल्क के प्रधानमंत्री और उनके फॉरेन मिनिस्टर, इसके साथ ही काउंसिल के फुल टाइम काम करने वाले प्रेसिडेंट, यह लोग होते हैं. यह काउंसिल की मीटिंग साल में 4 बार बुलाई जाती है या ली जाती है और यूरोपियन यूनियन को सामूहिक नेतृत्व को प्रदान करती है. अगला पॉइंट है हमारा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन कोर्ट भी कह सकते हैं या यूरोपियन अदालत भी इसे आप कह सकते हैं. यूरोपियन अदालत यूरोपियन यूनियन के कानून और एग्रीमेंट का सही मतलब लगाने का काम करती है, इसके साथ ही उसके ऊपर फैसला लेने का काम करती है. यूरोपियन यूनियन के कानून के मेंबर ये उस मुल्क के जो कानून बने होते हैं ये उससे भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं या महत्व रखते हैं.
तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हमने यूरोपियन यूनियन अपना काम किस चार अलग अलग ब्रांचेस के जरिए पूरा करती है, उसके चार अलग अलग ब्रांचेस जो होती है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन चार अलग अलग ब्रांचेस के जरिए यूरोपियन यूनियन अपना पूरा कामकाज करती है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने ये पॉइंट कवर किया है, और मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो के बीच।